तो गाइस यार आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ऐसे पांच स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जो 10,000 से कम के रेंज में आते हैं और आपको कुछ वैल्यू देंगे, क्योंकि ये स्मार्टफोन आप लोगों को बहुत ही लो बजट में देखने को मिल जाता है और जितने भी स्मार्टफोन है सारे के फीचर्स बहुत मस्त मस्त है। टॉप 5 से स्टार्ट करेंगे, टॉप 1 तक जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज यार हम लोग पांचवें नंबर स्मार्टफोन की अगर हम लोग बात कर ले तो पांचवा नंबर स्मार्टफोन आप लोग को रेडमी की तरफ से है, रेडमी 9 एक्टिव। इसके अंदर आप लोग को आईपीएस पैनल मिल जाता है, साथ ही साथ इसके अंदर स्क्रीन ऑन साइज आप लोग देख सकते हैं 6.53 इंचेस का देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात कर ले तो 4GB का रैम, 64GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। कैमरा भी काफ़ी शानदार है इसके अंदर, 13 मेगापिक्सल आप लोग को मेन कैमरा सेंसर है और 2 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा सेंसर है। साथ ही साथ फ्रंट कैमरा की अगर हम लोग बात कर ले तो फ्रंट कैमरा में आप लोग को 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल के अंदर आप लोग को रिफ्रेश रेट भी अच्छा खासा है, 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। ऑडियो जैक का भी सपोर्ट है इस फोन के अंदर। प्रोसेसर की अगर हम लोग बात कर ले तो प्रोसेसर इसके अंदर आप लोग को मीडिया टेक हीलियो G35 देखने को मिल जाता है। तो इस स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड 11 और इसके अंदर आप लोग को MIUI 12 का सपोर्ट देखने को मिलता है। और प्राइस रेंज काफी इंटरेस्टिंग है, प्राइस रेंज इसका 9,499 दिया गया है। तो गाइज यार चौथा नंबर स्मार्टफोन आप लोग को नोकिया की तरफ से देखने को मिल जाता है। नोकिया का नाम सुन के आप लोग प्लीज भाग मत जाइएगा, नोकिया को भी देख लीजिए। इसके अंदर आप लोग को डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 6.5 इंचेस का IPS डिस्प्ले मिल जाता है। साथ ही साथ स्टोरेज की बात कर ले तो 32GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा और रैम की बात कर ले तो 3GB का रैम देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग इसके प्रोसेसर की बात कर ले तो इसके अंदर प्रोसेसर पता नहीं कुछ यूनिक टाइप का लगा हुआ है, यूनिसॉल CS उसके बाद 98631A 1.6GHz पे चलने वाला प्रोसेसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 11 पे काम करेगा। बैटरी की बात कर ले तो बैटरी इसके अंदर 5000mAh दिया गया है। साथ ही साथ कैमरे की बात कर ले तो कैमरा मेंशन नहीं था, इसलिए हम लोग बोले हैं कि कैमरा मेंशन नहीं है, आप लोग देख सकते हैं जाकर, असंभव। सबका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि इसके अंदर आप लोग को क्या क्या देखने को मिल जाता है। ऑडियो जैक भी इसके अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। प्राइस रेंज भी काफी अच्छा है, ज्यादा प्राइस रेंज भी नहीं है, 9,790 रुपया इसका प्राइस रेंज दिया गया है। तो गाइज यार हम लोग तीसरे नंबर स्मार्टफोन की बात कर ले तो तीसरा नंबर स्मार्टफोन आप लोगों को देखने को मिल जाता है रेडमी 9 के तरफ से। इसके अंदर आप लोग को डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, फुल HD प्लस IPS पैनल है और डिस्प्ले साइज 6.53 इंचेस का है। स्टोरेज की अगर हम लोग बात कर ले तो स्टोरेज इसके अंदर आप लोग को देखने को मिल जाता है 64GB का। रैम की बात कर ले तो रैम इसके अंदर आप लोग को 4GB का मिल जाता है। साथ ही साथ हम लोग बात कर ले प्रोसेसर की तो प्रोसेसर आप लोग को इसके अंदर मीडिया टेक हीलियो G35 देखने को मिल जाता है। बैटरी काफ़ी शानदार है, 5000mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग बात कर ले कैमरे की तो 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा की बात कर ले तो 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ 60Hz का रिफ्रेश रेट इसके अंदर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। प्लस में इसके अंदर आप लोग को ऑडियो जैक का सपोर्ट भी है और प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं 9,499 दिया गया है अमेजोन के ऊपर, आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है चेक कर ले। तो गाइज यार दूसरे नंबर स्मार्टफोन की अगर हम लोग बात कर ले तो दूसरा नंबर स्मार्टफोन आप लोग को रियलमी की तरफ से है, रियलमी नार्जो 50i। इसके अंदर आप लोग को डिस्प्ले फुल HD प्लस देखने को मिलता है, IPS पैनल है इसके अंदर, साथ ही साथ इसमें आप लोग को 6.5 इंचेस का स्क्रीन साइज देखने को मिल जाता है। और स्टोरेज की बात कर ले तो स्टोरेज 4GB का आप लोग को रैम देखने को मिलता है, 64GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग बात कर ले इसके अंदर आप एक्सपेंड कर सकते हैं 256GB तक मेमोरी कार्ड लगाकर। साथ ही साथ OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 11 पे काम करता है। बात कर ले हम लोग इसके प्रोसेसर की तो प्रोसेसर इसके अंदर ऑक्टा कोर 1.6 MHz पे चलता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर ले बैटरी की तो इसके अंदर भी 5000mAh बैटरी है। यहाँ तक आप इस स्मार्टफोन को भी देख सकते हैं, इस स्मार्टफोन में 5000mAh बैटरी नहीं है क्योंकि 10,000 से ऊपर का है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे 5000mAh बैटरी मिल जाता है। साथ ही साथ हम लोग कैमरे की बात कर ले, 8 MP प्राइमरी कैमरा है, फ्रंट कैमरा 5 MP का है। साथ ही साथ रिफ्रेश रेट भी इसके अंदर आपको 60Hz देखने को मिल जाता है। ऑडियो जैक का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, 3.5mm जैक का। बात कर ले हम लोग इसके प्राइसिंग की तो 4GB वेरिएंट वाले का प्राइसिंग है,
8999 और इसका 2GB वाला भी वेरिएंट आता है जिसका प्राइस है 7299। ज्यादा रिकमेंड है कि आप लोग 4GB वाला खरीदिए क्योंकि 4GB वाला आप लोग के लिए बहुत बेस्ट होगा। तो गाइस यार नंबर वन पे जो स्मार्टफोन था उसको हम लोग ने जानबूझ से नंबर वन पे रखा था क्योंकि ये स्मार्टफोन सबसे यूनिक था बहुत लो बजट के अंदर। यह स्मार्टफोन का नाम था टेक्नो स्पार्क्स 70। इसके अंदर आप लोगों को देख सकते हैं डिस्प्ले मिल जाता है IPS फुल HD प्लस 6.52 इंचेस का। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर ले इसके फीचर्स के बारे में तो इसके अंदर आप लोगों को 4GB का रैम देखने को मिल जाता है, 64GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है और सबसे बड़ी खास बात इसके अंदर आप लोगों को बैटरी मिल जाता है 6000 mAh का। और साथ ही साथ अगर हम लोग इसके कैमरे की बात कर लें, कैमरा सारे स्मार्टफोन से इसका बेटर होने वाला है क्योंकि इसका कैमरा 48MP प्राइमरी कैमरा प्लस 2MP अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। सेल्फी कैमरा की बात कर ले तो सेल्फी कैमरा के अंदर आप लोग को 8MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। साथ ही साथ रिफ्रेश रेट भी इस फोन के अंदर आपको मिल जाता है 60Hz का। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ले तो एंड्रॉयड 11 पे आप लोग को काम करते हुए नजर आएगा। प्राइसिंग भी काफी अच्छा है, प्राइसिंग इसका आपको 8599 देखने को मिल जाता है और इसके अंदर ऑडियो जैक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।